हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। होप सो तुसी सारे जने बहुत 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 वधे होंगे। सो मैं आ गई हाँ नई रिएक्शन वीडियो लेके थोड़े सारे दे लई। सो अज दी जो वीडियो होने लगी है उहदा टाइटल है जो सिद्धू मूसे वाला और करण औजला दे विच लड़ाई चली हैगी है उहदा मेन असली रीजन केड़ा हैगा, क्योंकि गाइस अभी इतनी ही पंजाबी चलेगी हम आ जाते हैं अपनी लैंग्वेज पे। रोज कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बोलूं लेकिन नहीं हो पाता मेरे से। सो आज हम करेंगे, मैं करूंगी रिएक्शन। मतलब आज मुझे वीडियो मिली कहीं से कि मतलब क्या रीजन रहा है मेन जो लड़ाई है सिद्धू मूसेवाला वर्सेज करण औजला में, तो मुझे भी जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था कि मैं जानूं कि रीजन है क्या। सो मेरे में से मुझ जैसे आप भी कई लोग ऐसे हैं आप में से भी जिनको लड़ाई का रीजन शायद ना पता हो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है। ऐसे छोटी मोटी बातें तो यूट्यूब पे बताते रहते हैं लेकिन मेन जो रियल रीजन है वो नहीं बताया है। सो आज मैं उस पर रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी कि होप सो आपको ये पसंद आएगी एंड आनी ही चाहिए क्योंकि टॉपिक तो है बहुत कमाल का। और अभी हमें आई थिंक चलना चाहिए वीडियो की तरफ। सो लेट्स प्ले द वीडियो। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे चैनल चाचा संगीत। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला वर्सेज करण औजला तो तुसीं जानदे हो कि इन्हां दे विच शब्दां दी जंग काफ़ी देर तो चलदी आ रही है, लेकिन दोस्तों तुहानूं इह नहीं पता कि इह दोनों लड़ क्यों रहे सी, की है इन्हां दी लड़ाई दा राज। सो अज इह गल असीं इस चैनल राहीं क्लीयर करांगे, तां वीडियो दे एंड तक जरूर बने रहियो। सो दोस्तों सिद्धू मूसेवाला पंजाब विच लुधियाणा विखे स्टडी करदा सी अते इस दे कॉलेज दा नाम GNE कॉलेज सी, अते सिद्धू ने इस दौरान निंजे नूं गाणा लिख के दित्ता लाइसेंस जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट सी। इस तो बाद दोस्तों सिद्धू मूसेवाला कनेडा चला गया और इतने सिद्धू की मुलाकात हुई एली मांगण नाल। एली मांगण इस तो पहला दीप जंडू और करण औजला का पक्का आड़ी सी, क्योंकि एली के कई गाने औजला लिख के दिंदा सी अते म्यूजिक दीप जंडू का हुंदा सी। नाले दोस्तों तुहानू दस दां कि इस तो पहला औजला और दीप जंडू काफ़ी गाने कर चुके सन। दोस्तों एली ने हुण सिद्धू की मुलाकात दीप जंडू और करण औजला नाल करवा दी, इन्हां सारिया ने मिलकर सिद्धू का पहला गाना रिलीज करवा दिता जी वैगन, जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट रहा जिस विच दीप जंडू ने म्यूजिक दिता। तुहानू दसदा यह गाना सिर्फ इंडिया के 25,000 रुपए च बनया सी, अते इत्थे मिसाल मिलती है जे बंदे च टैलेंट है तो बंदा बिना महंगीयां घड़ियां दिखाए भी हिट हो सकता है। yes. इस तो बाद सिद्धू ने भी दीप जंडू नूं गाना लिख के दिता जिसका नाम सी आ गया नी उही बिलो टाइम, जो कि 9 मई 2017 नूं रिलीज होया अते इह गाना काफ़ी हिट रहा। ਬਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖੀਏ ਸਹਿਉਣਾ ਸੋਣੀਏ ਕਰੀ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਟੈਮ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖੀਏ ਸਹਿਉਣਾ ਸੋਣੀਏ ਕਹਾਂ ਗਏ ਉਹ ਦਿਨ ਛੱਤ दोस्तों इन्हां सारिआं दा काम चंगा चल रहा सी अते फिर सिद्धू ने अपना अगला गाना छड्डिया सो हाई, जो कि 10 अगस्त 2017 नूं रिलीज़ होया अते इस दी इक लाइन सी पाड़ पाड़ सट्टणे आ मूसे वाले ने। जो कॉपी कैट बणे गीतकार साले रे आ पाड़ पाड़ सट्टणे आ मूसे वाले रे, अते इह गल सिद्धू मूसे वाले ने अपने 5 यारां च बैठ के बोल दित्ती कि गीतां दी मशीन पाड़ पाड़ सट्टणी आ मूसे वाले ने। अते इह गल सिद्धू ने जस्ट मजाक च कही सी, जिवें आपां यारां दोस्तां च कह दिंदे आ कि तू छित्तर खाएगा जे वो, ऐदां ही मूसे वाले ने कह दित्ती अपना समझ के। जदों सिद्धू ने यह गल बोली तो उसके एक साथी ने यह गल रिकॉर्ड कर ली और करण औजला के उसके साथी रिहान रैकर्ड्स को भेज दी, शायद उन्होंने यह गल मजाक च नहीं लिया और लोग सिद्धू की गल का गुस्सा कर गए, जिस कारण उन्होंने सिद्धू को धमकी दे दी कि तैनूं असीं मार दांगे ये कर दांगे वो कर दांगे, अते फिर सिद्धू भी उवें ही जट मत च सीधा हो गया। इन्हां दी लड़ाई काफ़ी वध गई अते इस विचकार सिद्धू के काफ़ी गाने लीक भी हो गए जिसका इल्जाम करण औजला ते लगा
लगाया गया कि उसने कह बाजी चीते हैं, लेकिन दोस्तों इसका सच हज तक नहीं पता लगा कि यह गाने किसने लीक किए। तो दोस्तों इन्ह दो की स्नैपचैट से लड़ाई होने लग गई, तू सू इतने मिल तेन चक देंगे ये कर देंगे शेर खा जांदी है चुक विच आके भंगा तू पा लिया हुण सच्ची दसी नी दे आ जांदी है डायलॉग ना चेक लो है कॉपीराइट स्पाइसीज फक जी नो दिस 1 2 3 मिर्च 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 ता तेरे ਜਿਹੜਾ ਹੱਡ ਜਸ ਨੇ ਤੋੜਤਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾ मैं गोडे घसाया मैं बनिया मान की नहीं करूंगा सही गल है ना जे कोई चीज उपर जाते तो मिर्च का थले आऊगी आऊगी ये दस्तूर है जिंदगी कहते बड़ी मैं नहीं करी नहीं होंगी अस तो यही करा गे 15 साल हो गए आप स्टेज के पिछे खड़े हाँ इतने आए अस तो यही करा गे पर जिन्ना चर रहना ना ए सिद्धू नूं धमकियां भी मिलन लग गया कि तेनूं स्टेज तो ला के तेरे थप्पड़ सट्टांगे। सो जदों इह गल इन्नी वधी तां इन्हां दे म्यूचुअल फ्रेंड्स ने इन्हां दी सलाह करवा दित्ती अते सिद्धू ने कह दिता कि मैं तां उहीं बोलिया सी खाधी पीती च मजाक च कि मैनूं पता नहीं लग्गिया। तां दोस्तों सारा मामला सैट हो गया अते इह दोनों जाणे टक्के बैठ गए। फिर दोस्तों 15 मार्च 2018 नूं गाणा आया लिफाफे जो कि सनम भुल्लर अते परम संधू ने लिखिया सी ना कि करण औजला ने। पर हाँ यह गल भी सच्ची है कि इह गाणे विच सिद्धू नूं टारगेट कीता गया सी दोस्तों इत्थे दो सीन हो सकते हैं। पहला जा तो सनम भुल्लर नूं पता सी कि सिद्धू दी करण नाल लड़ाई हुई है अते सिद्धू नूं रिप्लाई कीता जावे करण औजला नूं गाने विच नाल लैके तां जो करण औजला नाल उसदी जान पछाण वध जाएगी। दूजे पासे इह भी हो सकदा है कि करण औजला ने बंदा ही इदां दा लभ्या जिसनूं इह गाणा कह के लिखवाया गया कि तूं इदां इदां रिप्लाई कर फिर मैं गाणा करूं तेरे नाल। दोस्तों फेम लैन लई तां इह रिप्लाई नहीं कीता गया क्योंकि उन्हां टाइम च इह ट्रेंड इन्ना सैट नहीं होया सी कि एक दूजे नूं रिप्लाई करके हिट होया जावे। हुण इस तों बाद सिद्धू ने फिर अपना गाना रिलीज़ कर दिता वार्निंग शॉट जो कि करण औजला नूं रिप्लाई सी सिद्धा अते इह लिखिया भी सिद्धू ने ही सी। दोस्तों इस तो बाद करण औजला ते सिद्धू दी शब्द दी जंग शुरू हो गई अते इह अज तक नहीं मुकी है। आओ सुनिए इन्हां दे कुछ रिप्लाई जो कि एक दूजे नूं कीते गए हन। करे लुक के जट करे पुक के फेम नाले नेम पिछे चट यानी थुक के किन्ना चिर लिख लिख अपने ते गाउणा ए किन्ने आके मुड़ के ते किन्नियां ने आउणा ए आखरे नूं मैनूं मेरी मां ने मरवाउणा ए नींबू वांगू फड़ के निचोड़ दिंदे आ सिव्यां नाल नाता सिद्धा जोड़ दिंदे आ मान नहीं करीदा कदे पी के उत्ते खड़े दा बल्ले आ बगाने पुत तोड़ दिंदे आ नवे जस लारू दा वी करदा हिसाब दोस्तों अज लिए इन्हें जेकर थोड़ा वीडियो लगी तो वीडियो लाइक इदा की होना वीडियो देखने साडे चैनल सब्सक्राइब भी करना। मैंने देखी है वीडियो आपने भी देखी होनी। सो लड़ाई शुरू हुई है
गाना कौन सा था, मतलब पहले इनकी अच्छी चल रही थी, बन रही थी आपस में, देन गाना गाया सिद्धू मूसेवाले ने कि सो हाई, गाने से आई थिंक इनकी लड़ाई जो है वो चल रही थी। मजाक में उन्होंने ही कहा, बस ने बता रही कि इन्होंने मजाक में जस्ट कहा, लेकिन आगे वाले बंदे ने मजाक में नहीं लिया। देन फिर उसके बाद उनकी आपस में थोड़ी बन गई, फिर लफावे गाने आ गया जो कि परम संधू ने लिखा था। मुझे तो यही लग रहा है कि शायद उन्होंने तो लिखा होगा कि अभी इनके बीच लड़ाई चल रही है तो क्या कहते हैं, आग में घी डालना, वो वाला काम कर दिया उन्होंने, तो शायद ये वहां से हुआ कि वहां से सिद्धू मूसेवाले को लगा होगा कि शायद ये जो करण औजला ने मुझे टारगेट किया है, क्योंकि वो गाना तो इससे ज्यादा सिद्धू मूसेवाले को टारगेट करने वाले था, क्योंकि लिखा शायद परम संधू ने था या करण औजला को, उसका नहीं पता होगा, ये सीन है। बाकी जो इनकी सच्चाई है खुद की वो तो यही जाने, क्या इनके जो मन में दिल में है वो यही जाने, हमें तो जो वीडियोस दिखाते हैं हमने वही देखते, क्योंकि ये वीडियो मेरे को बहुत बार हुई है सजेस्ट, एंड मैंने कमेंट पढ़े तो वहां पे लिखा भी था कि ये जो रियल स्टोरी है दैट्स व्हाई मैंने ये वीडियो बनाई है। होप सो कि आपको ये मतलब अच्छी लगी होगी वीडियो, एंड मैंने कल परसों वीडियो बनाई थी, कल परसों नहीं, तीन चार दिन हो चुके हैं जहां मैंने वीडियो बनाई थी कि ठीक है हासी मैं वीडियो में बनाई सी, मैंने याद नहीं आ रहा हूँ वीडियो बनाई सी मैं कि पंजाबी सिंगर्स किन्ने किन्ने अर्निंग कर दिया लाइव शो दे विच, ते उदे ते मैं कहा सी कि जो मैंने दसा वीडियो मैं वही कहा सी, ते मैंने लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए थे कि ये फेक वीडियो है लिया, सो मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो फेक है, नहीं तो मैं नहीं बनाती, लेकिन बनाती है हूं ते की कर सकते हैं, मैं रियल जो वीडियो पर जरूर ढूंढूंगी। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर चुके हो, अगर आपने एंजॉय कर लिया होगा तो लाइक एंड शेयर करना आपको बनता ही है, एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तब तक आप मुझे वहां पर जाके फॉलो कर लो। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, और 15,000 सब्सक्राइबर होने में थोड़ा 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 सा डिस्टेंस रह गया, सो आप लोग प्लीज वो कवर कर दो। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक बाय बाय।